नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ अजिता। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया है जहां पर एक तांत्रिक ने 5 युवतियों को अपने झांसे में लेकर उनके साथ शारीरिक शोषण कर रहे अपनी हवस का शिकार बनाया है। इतना ही नहीं, तांत्रिक ने उन लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर शादी कर लेता और अस्मत लूटने के बाद दूसरों के हाथों बिक्री कर देता था। दरअसल तांत्रिक के चाल चरित्र का खुलासा एक पीड़ित युवती ने किया है, जिसने थाने पहुंचकर तांत्रिक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। युवतियों का आरोप है कि वह अपना नाम और धर्म बदलकर लड़कियों को अपने झांसे में लेता है और झांसे में लेने के बाद उनको बहला फुसला कर शादी करता है, फिर तरह तरह के लालच दे करके उनके साथ शारीरिक शोषण कर उन्हें बाद में बेच देता है। दरअसल ये ताजा मामला शाहजहांपुर के निगोही थाने का है, जहां युवती ने अनुज चेतन सरस्वती नाम के तांत्रिक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। आरोप यह है कि तांत्रिक विवाह से पूर्व लड़कियों को अपने झांसे में लेकर शारीरिक शोषण करता है, उसके बाद यहां आने वाले लोगों को सौंप कर अनैतिक और शारीरिक संबंध बनाकर बिक्री कर देता है। बताया जा रहा है कि यह ढोंगी तांत्रिक इसी तरह से 5 लड़कियों को अपने झांसे में लेकर उन्हें बर्बाद कर चुका है। फिलहाल पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये पास का धंधा होता है हमारे ससुराल में, और हमारी सास ससुर और हमारे पति ये सब लोग धंधा करते हैं, और हमारा देवर, हमारे देवर ने हमको 7 दिन रखा अपने साथ, मतलब 7 दिन बलात्कार किया हमारे साथ, हमारी सास ने करवाया और हमारे पति ने करवाया, इसीलिए हम यहाँ एसपी ऑफिस मुकदमा दर्ज लिखवाने आए हैं। किसके खिलाफ मुकदमा लिखवाने हैं? अपने सास के साथ खिलाफ और पति के और देवर के खिलाफ मुकदमा लिखवाने। ऐसा ना हो जो हमारे साथ में हुआ इनके साथ में हुआ, 5 लेडीज और चली गई उनके भी साथ में ऐसा हुआ कि सर मेरे जेठ तंत्र मंत्र करते हैं, बहुत बड़ा धंधा चला रहा है, मतलब सेक्स रैकेट चल रहा है सर, उसमें सब उसकी शिकार मैं भी हुई हूँ सर। ये कितने दिनों से चल रहा है? ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, हम थोड़ा शादी के कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला, ताकि तभी इन लोगों ने मुझे बहुत मारा, उसकी FIR दर्ज हुई थी, ठीक है, उसके बाद हम मेरा समझौता हो गया था, कुछ लोगों ने समझौता करवा दिया, फिर मैं अपने मैके थी तो मैं वहाँ आई तो मुझे पता चला, तो इन लोगों ने फिर मुझे बहुत मारा तोड़ा, मुझे 2 लाख में बेचा, उसके बाद इन लोग मेरे जेठ ने मेरे साथ में बलात्कार किया। क्या नाम आपकी हुई है उसकी? तो इस मामले को लेकर आप पुलिस से कितनी बार गुहार लगा चुकी हैं? मैंने एक मुकदमा वहाँ पे लिखवाया था पीलीभीत में, और एक ये शाहजहांपुर में लिखवाया था, उसमें पुलिस वालों ने FIR लगा दी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये लोग बंद भी नहीं हुए, कोई इंसाफ नहीं मिला मुझे। वो शख्स कौन है जो कई शादियाँ कर चुका है? उसने एक शादी शाहजहांपुर से की थी, और दूसरी शादी एकता वाल्मीकि बरेली से की थी, तीसरी शादी इनसे की थी, चौथी शादी कानपुर की लड़की है उसने फांसी भगा लेके आया था, वो फांसी लगा के खत्म हो गई, और 5वीं सर मेरे साथ में तो जो किया ये वो तो मैंने आपको